दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपकी फरमाइश पर ये थाली पोस्ट दोबारा लेकर आई हूँ, जो आप बार बार आपके कमेंट आ रहे थे कि इसको दोबारा से बताइए और शुरू से बताइए। लेकिन इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इसे दोबारा से बताइए। तो देखिए, हम इसे बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो नीचे का है, ये पार्ट मेरा मेरे वीडियो पर अभी 2-4 दिन ही हुआ है, मैंने अपलोड किया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। यहाँ तक किसी ने फरमाइश की थी कि मुझे यहाँ से बताइए, तो हमने इतना ही बताया है। तो इसके ऊपर से हम बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे और इसमें 2 बार ये कली बनाएंगे। इस तरह से किसी ने मुझसे मेरे चैनल पे कमेंट किया है कि कभी 4 बार या 5 बार ले रही हैं, तो सॉरी, हमको थोड़ा गिनती में गलती हो जाता है। तो देखिए, हम 1, 2, 3, 4, 5, ये थोड़ा पतला ऊल है तो इसलिए हम ये ले रहे हैं, नहीं तो मोटा ऊल से आप 3 ही बार लीजिएगा। इस तरह से फिर हम 3 चैन लेंगे और फिर इसमें फिर हम उसी तरह से 2 बार बनाएंगे। तो ये पूरे राउंड इसी तरह से हम बना कर, तो देखिए ये पूरा 2-2 बार पूरे कंप्लीट हो गया है ये रो। तो इसे हम इसमें हम जो 2 बार बनाए हैं, इस बार हमें 3 बार बनाना है इस तरह से। और मेरा ऊन बहुत पतला है तो इसलिए मुझे 4-5 बार लेना पड़ रहा। आपका ऊन अगर मोटा होगा तो आप अपने ऊन के हिसाब से ये कली बनाइएगा, ज़्यादा मोटा होगा तो ये 3 बार ही बनाइएगा। तो देखिए, 3 चैन ले रहे हैं और इसी में हमें 3 बार बनाना है। ये 4 और ये 5 बार, फिर 3 चैन, इस तरह से 3 बार बनाना है और फिर 3 चैन लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया यहाँ पे, ये देखिए 3 चैन लेने के बाद इस चैन से हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर 3 चैन लेंगे और इस तरह से देखिए, 3 बार में बहुत ही पतला हो रहा है तो इसलिए हमें थोड़ा मोटा करना पड़ेगा इस तरह से। फिर 3 चैन इस तरह से, फिर 3 चैन एक 2, 3, 4 और ये 5। देखिए इस तरह से हमें इसे पूरे रो में बनाकर आते हैं। तो देखिए, ये रो कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमें 3 चैन लेना है
ये जो बढ़ेगा तो चैन भी बढ़ेगा, जितना ऊपर जाएगा तो चैन एक एक चैन करके बढ़ाते जाइएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे हमें चार बार बनाना है, नीचे देखिए दो बार, तीन बार, इस बार हमें चार बार ये बनाना है, दो इसमें और दो इसमें करके। इस तरह से हमें बढ़ाना है, फिर दो चैन लेंगे और इसी में उस तरह से देखिए दो तीन चार पाँच, मेरे ऊल से पांच बार में ही ये कली अच्छे से बन के आती है। और इस तरह से फिर दो चैन लेंगे, ये देखिए फिर एक दो तीन चार चैन लेंगे इस बार, और इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक दो तीन चार चैन, फिर इसमें डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से फिर से हम पूरे राउंड बनाकर आते हैं। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ तक आ गया है, अब हम क्या करेंगे देखिए, ये हम चार चैन लिए थे, अब हम ये चार चैन से पांच चैन बढ़ाएंगे, पांच चैन, ये जितना ही ऊपर जाएगा तो चैन बढ़ता ही जाएगा ताकि ये सिकुड़े ना, दो तीन चार पाँच। और अब हम इसमें देखिए दो बार इसमें, दो बार इसमें, दो बार इसमें, हमें छह बार ये कली बनाना है। इस तरह से छह बार कली बन, तो देखिए ये छह बार ये कली बन गया है। फिर हम उसी तरह से चैन लेंगे, देखिए एक दो तीन और ये चार पांच चैन, और फिर उसी तरह से ये बनाना है, फिर एक दो तीन चार पांच। तो देखिए इस तरह से पूरे राउंड बनाकर फिर हम आते हैं। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है, अब हम इस तरह से सारे मोती दो दो बार बनाएंगे, दो दो इसमें, दो चार छः आठ दस और बारह, बारह बार ये कलर फिर से बनेगा। तो देखिए देखिए जो आप बोलते हैं कि आपका सिकुड़ जाता है, तो ये आप चैन बढ़ाइएगा तो आपका कालको सिकुड़ेगा। ये जो कली हम बनाएंगे इस बार हम चैन नहीं लेंगे, ये देखिए बगैर फंदे के इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे हमें चैन लेना होगा दो तीन चैन, और इसमें हम उसी तरह से फिर से हम बारह कली बनाएंगे।
उस तरह से हम इसमें बनाने में बारह कलर उसी तरह से अब सारे में बारह कलर बना के आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे रो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसे ये देखिए, इसे हम इसमें इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, और हम इसे कट कर देंगे। तो देखिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और इस वीडियो का पार्ट टू हम इसी वीडियो पर, इसी थाली पोस्ट पर पार्ट टू बताएंगे, जो ये भी बनाने में आसान होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।